नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। 2019 के लिए राजनीतिक दांवपेच और सत्ता का खेल समझाने वाली खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। देश और दुनिया में क्या हो रहा है, उनका आपसे क्या लेना देना है, ये सब आपको दिखाएंगे। शुरुआत जम्मू कश्मीर से, जहां एक तरफ आतंक है तो दूसरी तरफ राजनीति। आतंक का खात्मा करने के लिए बीजेपी ने पीडीपी के साथ सत्ता का बंधन तोड़ा। अब खबर आ रही है कि आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने भारत की सबसे काबिल फोर्स को कश्मीर में तैनात करने का फैसला कर लिया है, जिसका नाम है ब्लैक कैट यानी एनएसजी कमांडो। सूत्रों के हवाले में उतरेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है और एनएसजी के कमांडो को घाटी में तैनात करने का फैसला ले लिया गया है। एक तरफा सीज फायर हटने और गवर्नर रूल लगने के बाद गृह मंत्रालय ने कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो लगाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय को उम्मीद है कि एनएसजी की तैनाती से आतंकी घटनाओं पर लगाम लगेगी। एनएसजी कमांडो को लाइव मुठभेड़ में निपटने का अनुभव है, इसलिए सरकार ने इन्हें कश्मीर भेजने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि एनएसजी कमांडो आतंकियों के खिलाफ खास कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। एनएसजी कमांडो जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देंगे। खासतौर पर होस्टेज सिचुएशन यानी बंधक संकट के समय एनएसजी कमांडो की अहम भूमिका रहता है। अभी तक बंधक संकट से निपटने के लिए आर्मी और सीआरपीएफ अभियान चलाती थी, लेकिन अब इस कार्रवाई में एनएसजी के कमांडो उतरेंगे, जिससे उम्मीद है कि आम नागरिकों को कम से कम नुकसान होगा। बेसिकली जो एनएसजी है, ये एक एंटी टेरर और काउंटर हाईजैकिंग फोर्स है, और एंटी टेरर ऑपरेशन में भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन में स्पेशलाइज करती है। तो इसलिए इसको पहले कश्मीर के अंदर का कोई बेस नहीं बनाया गया था, लेकिन अब जबकि हालात यहां पर जो दहशतगर्दी के थोड़े इतने खतरनाक हो रहे हैं, इसलिए ये ज्वाइंट फैसला लिया गया है कि एनएसजी की एक टुकड़ी जो है वो कश्मीर में प्री लोकेट की जाए। एनएसजी को इंडिया की जीरो एरर फोर्स कहा जाता है, यानी ऐसी फोर्स जो अपने टारगेट को कभी नहीं चूकती। एनएसजी का जन्म जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सरकार ये सोचने को मजबूर हुई कि लोगों को बंधक बनाकर दहशत फैलाने वक्त प्लान हाईजैक करने वालों से निपटने के लिए एक ऐसा कमांडो दस्ता बनाया जाए जो काम करे। दो साल तक बेसिक तैयारियों के बाद अगस्त 1986 में संसद में बिल पेश किया गया। संसद की मंजूरी के बाद 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रपति ने एनएसजी के गठन की अधिसूचना जारी की। एनएसजी के लिए जर्मनी की कमांडो फोर्स बॉर्डर ग्रुप, बॉर्डर गार्ड ग्रुप 9 और ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल एयरफोर्स को मॉडल के तौर पर अपनाया गया। एनएसजी कमांडो की वर्दी की बाई बाजू पर बिल्ली का निशान होता है। यह सिंबल इसलिए क्योंकि एनएसजी कमांडो भी बिल्ली की तरह दबड़ पांव आते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। एनएसजी कमांडो की वर्दी का रंग काला होता है। बिल्ली के निशान और काली वर्दी के चलते ही एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। एनएसजी कमांडो को हर तरह से आतंकवाद से निपटने के लिए बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है। एनएसजी सिर्फ एक सिद्धांत पर काम करती है, जहां जरूरी हो वहां चुपचाप तेजी से एक्शन करो और मिशन पूरा करके फौरन अपने बेस पर लौट जाओ। एनएसजी में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को शामिल किया जाता है। एनएसजी कमांडो बनने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर बेहद मजबूत होना और बेदाग सर्विस रिकॉर्ड अनिवार्य शर्त है। बीते 34 साल में एनएसजी कमांडो ने पंजाब में उग्रवाद, कश्मीर में आतंकवाद, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला, मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले और पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इन अभियानों में अब तक कुल 19 एनएसजी कमांडो शहीद हुए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में सरकार से हटते ही बीजेपी को धमकी मिलनी शुरू हो गई है। सूबे के बीजेपी अध्यक्ष और फायरबर्न नेता रविंद्र रैना को आतंकियों ने जान से मारने की धमकी दी है। आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे रविंद्र रैना को इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान के कराची से धमकी भरी कॉल आई है। जिस तरीके से हमने आतंकवादियों के और अलगाववादियों के काले कारनामों को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया, इससे ये घबराए हैं। वो घबराहट और बौखलाहट के अंदर आकर इस किस्म के धमकी भरे फोन कॉल कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि हम भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, हुई है वही जो राम रची राखा, होना वही है जो भगवान राम जी ने लिखा, प्रभु ने लिखा, लेकिन आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे।
कश्मीर में आतंकियों के सफाई की तैयारी चल रही है, तो उधर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर नई साजिश रची है। लाहौर के मरकज उल कदेसिया में लश्कर के हेडक्वार्टर में इंजीनियरिंग छात्रों को मैनेजमेंट का कोर्स कराया जा रहा है। कोर्स कराने की जिम्मेदारी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के दाहिने हाथ अब्दुल रहमान मक्की को सौंपी गई है। इन छात्रों को एबटाबाद में फिजिकल ट्रेनिंग देने की भी प्लानिंग है। सूत्रों के मुताबिक ट्रेनिंग के बाद इन छात्रों को चीन की मदद से बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक में नौकरी के लिए भेजा जाएगा। सीपैक में तैनाती के बाद इन इंजीनियर्स को अपनी सैलरी का एक हिस्सा लश्कर को देना होगा ताकि लश्कर भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई कर सके। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ नई नई साजिश रचने में लगी रहती है। ऐसे में हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क और सचेत रहना होगा ताकि पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। अब तक यही माना जाता रहा कि बीजेपी को कश्मीर के अलगाववादियों से दिक्कत है, बीजेपी उनसे बातचीत नहीं करना चाहती। आज इंडिया न्यूज ने बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव से बात की। राम माधव ने बेबाकी से कहा कि हुर्रियत के पास बातचीत का पूरा मौका था जिसे उसने गंवा दिया। हमने एक बहुत बड़ा अवसर भारत सरकार ने दिया था, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जिसको सीज फायर भी कहते हैं, वह निर्णय देकर वो बहुत अच्छा मौका था। पर मुझे ये कहने में कतई आपत्ति नहीं है कि जो लोग वहां है वो इस मौके को खो बैठा है। उसी समय अगर थोड़ा रेसिप्रिएशन होता, हुर्रियत हो, अन्य लोग हो, बातचीत के लिए आगे आते तो एक अच्छा माहौल में शायद बातचीत शुरू भी होता। हमें सबसे बात करने के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बातचीत के जरिए आगे आना है तो हम तैयार हैं। अब जब इतना अच्छा मौका भी उन्होंने हाथ में नहीं लिया तो कब शुरू होगा यह इसका उत्तर हमारे पास अब नहीं है। आपके पास उत्तर नहीं है, लेकिन आप ये तय मात्रा में बोल रहे हैं, तयशुदा बोल रहे हैं कि हुर्रियत ने एक अच्छा मौका जो सीज फायर के वक्त था उसे खो दिया है। नहीं, बिल्कुल खोया ना, क्योंकि गृहमंत्री श्रीनगर में रहकर भी उन्होंने कहा मुझे हमको सबसे बात करने के लिए हमारा दरवाजा खुले है, तो उसको सीज करना था। और हम बातचीत से परे नहीं है, हम उसको परहेज नहीं है, बातचीत नहीं है, हमको कोई परहेज नहीं है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन है, लेकिन अभी कहा वहां की सरकार बनाने की गुंजाइश बाकी है, इसलिए विधानसभा भंग नहीं की गई है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि बाकी दल चाहे तो गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं। रहा सवाल जम्मू कश्मीर में अगले चुनाव का, तो वो अगले 3 साल में कभी भी हो सकते हैं। आप ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि 2019 के जनरल इलेक्शन के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव हो जाएं? इस पर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली की जो कार्यावधि है और 2.5 साल अभी बाकी है, वह 6 साल की असेंबली होती है, तो 2021 मार्च तक उनकी अवधि है। तो ऐसे में किसी असेंबली का कार्यकाल आज ही खत्म हो जाए ये मैं नहीं कह सकता। पर मान लीजिए अन्य दल सरकार कोई वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है तो आगे जाकर जो भी करना है वो कार्रवाई, वो निर्णय लेना पड़ेगा। उसमें चुनाव इसी साल भी आ सकते हैं या जैसा आपने सजेस्ट किया पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ भी हो सकते हैं। पर आज हमारा प्रायोरिटी इतना ही है कि गवर्नर रूल के समय एक बार स्थिति स्टेबिलाइज हो, जो आतंक रेडिकलाइजेशन जो बढ़ा था, ये लैक ऑफ डेवलपमेंट हुआ, गवर्नेंस नहीं था, ये चीजें ठीक हो जाए, फिर देखते हैं कोई और वैकल्पिक सरकार और लोग बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा चुनाव पर जाना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के अलावा कहां क्या पॉलिटिक्स हो रही है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जल्दी से देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबर। मध्य प्रदेश में एकता यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी दंगे करवाती है, इसीलिए मध्य प्रदेश में दंगे शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह अपने बेटे और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई हैं। अजय का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मां पर सियासत न करें। छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बेमेतरा के 8 लोगों की आंखें खराब हो गईं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रायपुर के एक निजी अस्पताल में इनका ऑपरेशन हुआ था।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में दबंगों ने एक दलित दूल्हे की घोड़ी को बांध दिया और बारातियों के साथ मारपीट की। पुलिस की दखल और सुरक्षा के बाद दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ पाया। अलीगढ़ में आरएसएस के महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति ने 150 लड़कियों और महिलाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी। इन्हें डंडे और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। रुख करते हैं बंगाल का, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता ने एक बार फिर बीजेपी के लिए बहुत तल्ख शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने बीजेपी को आतंकी संगठन बताते हुए यह पार्टी लोगों को लड़ाने का काम करती है, ये कहा है। उन्होंने कहा बीजेपी हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा नहीं करती, बल्कि हिंदुओं से हिंदुओं को भी लड़वा रही है। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नई बीजेपी मतो उग्रत बोध आ উগ্রতা বোধ আছে, একটা ধর্মীয় বিদ্বেষ আছে, কাউকেই পছন্দ করে না, নাইদার মুসলিম নর খ্রিস্টান নর শিখ, আমি বুঝি না কাকে পছন্দ করে। হিন্দুদের মধ্যে দলাদলি লাগিয়ে দিচ্ছে, লিঞ্চিং করছে। ममता पहले भी कई बार बीजेपी और संघ पर तीखे सवाल दाग चुकी है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट के रूप में नजर आ रहा है और इसमें ममता की मुख्य भूमिका मानी जा रही है। उनके इस बयान को 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ममता जी अगर ये बात कहें तो अपने आप में मजाक लगता है। इसलिए मजाक लगता है कि अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो जो अराजक तत्व हैं, मिलिटेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, माओवादी हैं, ऐसा लगता है कि वो समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं, समानांतर सरकार चला रहे हैं। और जितने भी वामपंथी जो शासन थे उस समय के, जितने भी मिलिटेंट लोग थे, अराजक तत्व थे, वो सारे के सारे जो है वो उनकी शरण स्थली जो है वो ममता बनर्जी साहिबा की पार्टी बन गई है। उसके बाद अगर वो ये कहे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। ममता दी ने सही कहा है, भाजपा को कौन हिंदू का मरे, चाहे राम का मरे, चाहे रहीम का मरे, उसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी वोट बैंक भरे, वही उनका मकसद होता है। इस देश में बाबा साहेब आम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बना, उसने भी बहुत सोच समझ के सभी जाति सभी मजहब उसको एक रख के देश को तभी हम एक और अखंडित रख सकते हैं, उस बात को की है। भाजपा इसके खिलाफ काम कर रही है, ये हकीकत है। और अब बात उन दो पासपोर्ट की जिन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। बुधवार को एक दंपति पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए लखनऊ दफ्तर पहुंचे। महिला का नाम तन्वी था और उनके पति का नाम अनस सिद्दीकी। मामला यहीं फंस गया। आरोप है कि पासपोर्ट ऑफिसर ने धर्म के नाम पर इस दंपति को अपमानित किया और उनकी याचिका खारिज करते हुए पासपोर्ट को होल्ड पर डाल दिया। हालांकि अफसर का कहना है कि उसने जो किया नियम के दायरे में किया। What was most shocking was कि मेरे हस्बैंड का भी पासपोर्ट होल्ड पे डाल दिया गया था और उनको बोला गया कि क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू गेट अ पासपोर्ट मेड आपको या तो फेरे लेने पड़ेंगे या फिर गोत्र मंथ पढ़ने पड़ेंगे। हमने सिर्फ उनसे यही पूछा कि ये नाम है और आप हमको निकाहनामा में दिखा रही हैं कि आपका नाम शादिया अनस है, तो आप इस नाम को फाइल में इंडोर्स करा लीजिए, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। हमारे पास जितने एप्लीकेंट आते सबके बारे में हमको ये देखना पड़ता है ये कौन व्यक्ति नाम बदल करके तो नहीं ले पा रहा, और हमारे पास पूरा जब एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो हम इसको इग्नोर कैसे कर दें। अगर हम इस तरह से काम करने लगेंगे तो कल को कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी नाम से पासपोर्ट बनवा कर ले जाएगा तो क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इस दंपति का कहना है कि अधिकारी ने जो भी कहा उसे नम्रता पूर्वक भी कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसके उलट किया। जबकि आरोपी अफसर का कहना है कि पासपोर्ट बनवाने आए दंपति ने बवाल मचाया था। मतलब उनकी टोन बहुत हार्श थी और काफी लाउड थी, वो काफी हैंड जेस्टर्स यूज कर रहे थे जो कि थोड़े से अटैकिंग इनअप्रोप्रिएट थे और अटैकिंग थे और काफी वो रूड थे। मैं क्यों कहूंगा, मैं खुद धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैंने तो खुद इंटरकास्ट मैरिज की है। उनका ये कहना है कि आप भी उनसे धर्म बदलने की बात नहीं, हम इस तरह की बात नहीं करते। ये हमारे
पासपोर्ट होल पर डाले जाने से नाराज इस दंपति ने मजहबी बदसलूकी का आरोप लगाते हुए ट्विटर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पीएमओ से इसकी शिकायत की। ऐसा होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। हरकत में आए अधिकारियों ने आरोपी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका तबादला कर दिया और दंपति को पासपोर्ट जारी कर दिया। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना न होने का भरोसा दिया। तो आपके कागज पूर्ण थे और उसको हम लोगों ने आज जो भी कार्रवाई करनी थी हमारे जीओ से लोगों ने करके और मैंने पासपोर्ट उनको डिलीवर कर दिया है। कल की जो घटना हुई है उसका पूरा हमें खेद व्यक्त करते हैं और भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बात मध्य प्रदेश में बेखौफ हो चुके खनन माफिया की, जिनकी करतूत ने आज 15 जिंदगियां निगल ली। मामला मुरैना जिले का है। यहां अवैध खनन के बाद बालू लेकर जा रहे ट्रैक्टर ने जीप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जीप में सवार लोग एक ही परिवार के थे और अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस हादसे से एक बार फिर बेलगाम खनन माफिया को लेकर सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। मुरैना और आसपास के इलाकों में लगातार अवैध खनन हो रहा है और उस पर नकेल कसने में सरकार नाकाम साबित हुई है। 8 मार्च 2012 को खनन माफिया ने आईपीएस अफसर नरेंद्र सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करवा दी थी। मुरैना में अब तक 8 अफसरों कर्मचारियों की हत्या में खनन माफिया का नाम सामने आया है। आरोप है कि प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के चलते खनन माफिया बेखौफ है और बेलगाम है और मुरैना उनकी मनमानी का गवाह बन रहा है। और अब एक नजर कुछ और अहम खबरों पर। महाराष्ट्र में सेक्स चेंज कराकर महिला से पुरुष बने कांस्टेबल ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। ललिता से ललित बने इस सिपाही ने बीड के मजलगांव थाने में दोबारा ड्यूटी शुरू कर दी। 3,000 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन सीएमडी रविंद्र पी मराठे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर फर्जी तरीके से केस दर्ज करने का आरोप है और 5 लोगों की भी इस केस में गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक टीटीई की गुंडागर्दी सामने आई है। टीटीई पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक लड़की और उसके भाई को पीटने का आरोप लगा है। ट्रेन में पेनल्टी देने को लेकर विवाद हुआ था। पटना के नौबतपुर में अपराधियों ने एक दवा कारोबारी प्रदीप कुमार की हत्या कर दी। कारोबारी से रंगदारी मांगी गई जिसे नहीं देने पर बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। बिहार में शराबबंदी के बीच शराब पार्टी करने वाले आरजेडी के महासचिव राजू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना के होटल में राजू यादव 5 साथियों के साथ शराब पी रहे थे, तभी सभी की गिरफ्तारी की गई। राजस्थान की वसुंधरा सरकार में जनजाति विकास मंत्री नंदलाल मीणा ने खुलेआम जाति का झंडा बुलंद कर दिया। वही सभा में पहले मंत्री जी ने प्रतापगढ़ के एसपी शिवराज मीणा को धमकाया और जाति के साथ चलने को कहा। इतना ही नहीं, मंत्री नंदलाल ने मंच पर रेप पीड़िता को बिठाया और उसकी पहचान सार्वजनिक कर दी। इस बीच मंत्री जी ने पुलिस अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि रेप पीड़िता का जब बयान ही काफी है तो फिर मेडिकल जांच कराने की क्या जरूरत है। आपको जातिवाद की वजह से लगाया है और ये है सर आपका जाति के साथ स्वरूप, तो हम केड़ी मुझे करना भी जानते हैं। मामला सालगढ़ का है, जहां आदिवासी समुदाय की महिला ने 5 राजपूत लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो इस केस को फर्जी पाया। यहां तक मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया लेकिन उन पर धारा 376 हटाकर 354 लगा दी। इसी से नाराज होकर मंत्री ने एसपी साहब को सबके सामने धमकी दे डाली। छत्तीसगढ़ में भड़क रहे पुलिस आंदोलन को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है, लिहाजा सरकार इसे दबाने की कोशिश में जुट गई है। कोडा गांव में पुलिस कर्मचारियों की पत्नियां धरने पर बैठी तो पुलिस अफसरों ने टेंट उखड़वा दिए। एनसीसी ग्राउंड में धरने पर बैठने से पहले ही पुलिस कर्मियों के परिजनों को खदेड़ दिया गया। हालांकि मीडिया के कैमरों को देखते ही पुलिस अफसर बचते हुए नजर आए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, आप पुलिस परिवार से नहीं आए हो? मेरा तो काम फील्ड में ड्यूटी लगती है ऑन पेपर में, तो मैंने कौन है तुम्हारे।
दरअसल वेतन वृद्धि और छुट्टियों समेत सुविधाओं की 10 सूत्री मांग को लेकर पुलिसकर्मी सरकार के रवैये से नाखुश हैं, लेकिन कायदे कानून से बंधे होने के चलते पुलिसकर्मी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में अपने परिजनों को मैदान में उतार दिया। पुलिसकर्मियों के परिजनों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वो 25 जून को राज्य के सभी जिलों में महाधरना देंगे। ये सब सर वही बत्ते बत्ते का अभी हम लोगों का जो मांग है वो पूरा नहीं हो रहा है। हम लोगों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड साफ सुथरी और बेहद कम किराए पर तीर्थयात्रियों को आवास की सुविधा मुहैया कराता है, लेकिन बोर्ड के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कर्मचारियों ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। श्राइन बोर्ड कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ बोर्ड कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे। वे अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने और 10वीं पास बोर्ड कर्मियों को 2400 की ग्रेड पे देने की मांग भी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने 9 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी सुनील आदिवासी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां जस्टिस सुमन श्रीवास्तव की बेंच ने दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें, घटना 10-13 अप्रैल 2017 की है, जब खोरई थाना इलाके में 9 साल की बच्ची से दरिंदगी को अंजाम दिया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब देखते हैं देश विदेश की वो तस्वीरें जिन्होंने सबको हैरान परेशान कर दिया। ऑस्ट्रिया की अल्पाइन लेक पर बादल फटने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो स्विट्जरलैंड के फोटोग्राफर पीटर मेयर ने अपने कैमरे में कैद किया और इसे स्वर्ग की सुनामी बताया। अमेरिका के टेक्सास में कई इलाकों में आए तूफान के बाद बारिश हुई और जमकर ओले गिरे। ओलों का आकार काफी बड़ा था, जिसकी वजह से कई कारों के ग्लास टूट गए तो वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। आधी रात ओले गिरने से लोग दहशत में आ गए। गुड़गांव में 20 सड़क पर एक महिला ने एक शख्स पर पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। दरअसल स्कूटी सवार इस महिला को एक ऑटो ड्राइवर ने जब साइड नहीं दी तो वो भड़क उठी और पिस्तौल निकालकर शख्स पर गोली चला दी, जो उसे छूकर निकल गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के जगतपुर इलाके में बाप बेटे की गुंडागर्दी का लाइव वीडियो सामने आया है। यहां पैसों के लेनदेन को लेकर एक शख्स को जमीन पर पटक पटक कर लात घूंसों से जमकर पीटा गया। ये वीडियो 20 दिन पुराना है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। हरियाणा के पंचकुला महिला थाने में पति पत्नी के बीच जमकर पिटाई हुई। दरअसल पीड़ित महिला ससुराल वालों से तंग आकर थाने शिकायत करने पहुंची तो उसका पति 9 महीने के बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा, जिसके बाद महिला के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। चौथे इंटरनेशनल योगा डे पर देश योग में नजर आया। दुनिया भर के करीब 200 देशों में भी योग दिवस मनाया गया। अपने देश की बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ तक योग दिवस की धूम दिखी। वीवीआईपी से लेकर आम लोगों ने भी सुबह सुबह योगाभ्यास किया। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवाओं ने योग दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में योग किया। 55,000 लोगों के साथ मोदी ने सुबह सुबह यहां योगाभ्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब तोड़ने वाली ताकतें हावी हो जाती हैं तो योग जोड़ता है। योग हर परिस्थिति में हर जीवन को समृद्ध कर रहा है। जब तोड़ने वाली ताकतें हावी होती हैं तो बिखराव आता है। इस बिखराव के बीच योग जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। न सिर्फ पीएम बल्कि उनके तमाम मंत्रियों ने भी देश के अलग अलग हिस्सों में योग किया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी योग दिवस पर बढ़ चढ़कर शिरकत की। हमेशा कुर्ती पहनने वाले
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टी शर्ट पहनकर योग किया। बिहार में भी बीजेपी ने योग दिवस मनाया। मोदी के मंत्री और बीजेपी के सहयोगी दल एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान और आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने हाजीपुर में साथ साथ योग किया, लेकिन बीजेपी के एक और सहयोगी दल जेडीयू ने योग दिवस से किनारा कर लिया। जेडीयू का कहना है कि योग से बड़े और भी कई मुद्दे हैं। क्या त्यागी साहब, क्या लगता है कि दिल से मेल नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ना तो हम योगा के खिलाफ हैं, ना कार्यक्रम के खिलाफ है। पिछली बार भी ये सरकार के स्तर पर आयोजित नहीं किया गया था और ना इस बार सरकार के स्तर पर आयोजित है। इसके कोई और अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। और वैसे बिहार में नेशनल एवरेज से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, इसलिए जहां कुपोषण मुद्दा हो वहां योग उससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। उधर चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव की अगुवाई में इतिहास रचा गया। राजस्थान के कोटा में बाबा रामदेव ने 2,00,000 लोगों के साथ योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बाबा रामदेव के साथ उनके सहयोगी बालकृष्ण भी थे। साथ ही इस योग शिविर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची। एक ही जगह पर 2,00,000 युवकों के योगाभ्यास करने का यहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसके अलावा भी योग से जुड़े 100 तरह के और भी रिकॉर्ड बने हैं। और अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। और अब बात अपनी शिष्या के साथ रेप केस में फंसे शनिधाम के संस्थापक दाती मदन राजस्थानी की। दाती आपको बेकस बताते हुए इसमें फस बात कहता, लेकिन इंडिया का ने कि पोल खुली है। बच्चे है वहाँ पे, लड़का बताते हैं कि मैं 600 है नारी की कोई ऐसे इंफ्लुएंस में चला जाए। मेरी तरफ किया है वो भी थी सारी। ऐसा तो नहीं कि ये लोग बात करें बंदे पास दिल्ली में खंगालो जाएगा पूरी देख कहीं पे स्थान में रहते राजस्थान लाई करे, लेकिन जो इवेंट सारा वो खाते थे सारा खोलता हर चीज वही लोग थे। का पिता और बेटी किसान में कोई बात गलत नहीं उन जाए विश्वास करिएगा घुट पल था कुछ हुआ तो वही की पहले भी मुझे आगे क्या हो मेरा भविष्य हो या ना हो, लेकिन एक टारगेट की टारगेट है
कि उनको ये खाता है वो हटा है जो पता लगा अपने मखौटे लगा कर बोल रहे हैं बुरे लोग अब उसे जो नियंत्रण हर साल करेट रखती है हम हमारे दो एक ही चकना है बच्चे पचासी राशि दूंगा वही हम 2 लाख का इनाम मिले इनाम बच्चे के नाम होगी बच्चे अपने को बचाइए थे जो स्कूल में 250 लड़की भी चलती है ब्राउन कैंपुल एस स्कूल है जहाँ इसके लिए अपने पोते स्कूल में उन्हें शिकायत ब्राउन कैंपुल स्कूल में टिका था हालांकि मैंने पहले तो लड़कों को लेकर कर दिया लेकिन बाद में उन्होंने कोई शिकायना देहरादून को इसी कर्नल ब्रस्पुर टीचर है शिकायना का परिवार अब आपको दिखाते हैं कैसे हैरान जो मेरे सोने शहर का है इस वीडियो में दिख रहा है पुलिस स्टोर को हेलीकॉप्टर से पीछा कर और हाई में काफी से कार चलाता है और पुल हुई है इसको मिलाने के बाद ये चोर आखिरकार चढ़ है देख लेते हैं कि बात क्या चल रहा करने वाले पक्षियों के बाद ट्रंप सरकार वादिया की पत्नी मेलानिया और उनका भी इस खिलाफ जिसके बाद वो अपनी नीति वापस मजबूर होना चीन ने किया है कि ट्रंप के राजका में बढ़ते राष्ट्रीय के लिए गलती है चीन के में चल गई है कि का फर्स्ट अंक पर चल रहे कि 8 विदेश राष्ट्रवाद और इससे ग्लोबलाइजेशन खतरा है ऑस्ट्रेलिया एप्पल पाओ को खरीद करने का दावेश जुर्माना लगे पाओ में शिकायत थी कि फरवरी 15-16 खरीदे गए फोन और गड़बड़ी एप्पल ने एयर करने से इनकार कर दिया में जहाँ छाव में न खबरें आ गई हो गई है वही छात्रों की नकल रोकने के लिए नहीं बना आई बुधवार को हाई स्कूलों में एग्जाम हुए ये नकल लिए इंटरनेट ब्लैक कर दिया गया पश्चिम की देव की नाफासों में इंसानों की मगरमच्छों के साथ रहती है उनके बीच रिश्ता 600 साल पुराना है या मगरमच्छ घर में या किसी पिंजरे में नहीं रहते बल्कि वो खुले में घूमते हैं यहाँ के लोग मगरमच्छों के लिए भोजन जुटाते हैं और छोटे छोटे बच्चे इनके साथ खेलते हैं बात पनामा पेपर्स लीक की जिसने एक बार फिर देश में हड़कंप मचा दिया है 2 साल पहले पनामा के लॉ फर्म मोसास्का फोंसेका ने
कुछ पेपर लीक से खुलासा हुआ था कि भारत सहित दुनिया के कई प्रमुख लोगों और कारोबारियों ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश में काला धन छुपाया है और अब इस फर्म के कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिनमें कई और नए नामों का खुलासा हुआ है और पुराने कारोबारियों पर टैक्स चोरी के आरोप पुख्ता हुए हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक लीक हुए पनामा पेपर्स में कई नए दिग्गज भारतीय कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। इनमें पीवीआर सिनेमा के मालिक अजय बिजली और उनके परिवार के सदस्य, हाइक मैसेंजर के सीईओ और टेलीकॉम दिग्गज सुनील मित्तल के बेटे कवीन मित्तल, एशियन पेंट्स के सीईओ अश्विन दाती के साथ उनके बेटे जलज दानी के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स हेवन देशों की कंपनी से ताल्लुक रखने वाले अन्य भारतीय दिग्गजों में सन ग्रुप के प्रमुख नंदलाल खेमका के बेटे शिव विक्रम खेमका, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोनी सोराब जी के बेटे जहांगीर सोराब जी, डीएलएफ समूह के प्रमुख केपी सिंह, लोक सत्ता पार्टी के पूर्व नेता अनुराग केजरीवाल, मेहरा सन्स ज्वेलर्स के मालिक नवीन मेहरा, अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची की पत्नी हाजरा इकबाल मेनन शामिल हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने 12 लाख से ज्यादा नए दस्तावेजों की जांच की। इनमें कम से कम 12,000 नए दस्तावेज भारतीयों से संबंधित हैं। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया है जो लिस्ट में शामिल 426 भारतीयों के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। इस आधार पर करीब 1000 करोड़ के काले धन का पता लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बागडोगरा के लिए उड़ान भर रहे एयर एशिया के विमान में यात्रियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि पहले तो विमान के उड़ने में देरी हुई, इसके बाद यात्रियों को जबरन प्लेन से उतारने के लिए एसी इतना तेज कर दिया गया कि पूरा प्लेन धुआं धुआं हो उठा। बाहर तेज बारिश हो रही थी जिससे यात्री बाहर भी नहीं जा सके। ऐसे में भीतर लोगों का दम घुटने लगा। विमान में बैठे कुछ बच्चे रोने लगे और उल्टियां भी करने लगे। अरे ये हर्षित का टिकट होता है, व्हाट इज दिस? बंद करो बंद करो, इसको क्यों करा हो तुम लोग? ताकि डिफेंड कर देगा इस फ्लाइट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक दीपांकर रे भी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने इस घटना का एक वीडियो शेयर किया है जिससे विमान कंपनी का स्टाफ खटघरे में आ गया है। उधर एयर एशिया ने उड़ान में देरी की बात को स्वीकार करते हुए खेद जताया और कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से एसी के ब्लोअर की स्थिति ऐसी हो गई। विमान में किसी भी यात्री की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में नहीं डाला गया। सिनेमा और खेल के बिना खबरों का संसार पूरा नहीं हो सकता, इसलिए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं खेल के मैदान और सिनेमा की सतरंगी दुनिया में। टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने यूरो टेस्ट पास करने के बाद अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर कर रोहित शर्मा ने लिखा कि यूरो टेस्ट पास, आयरलैंड जल्दी ही मिलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में जापान ने कोलंबिया को हराकर मैच जीत लिया, लेकिन दिल जीता जापानी फैंस ने। मैच के बाद दर्शक खाने पीने की चीजें और दूसरा कूड़ा स्टेडियम में छोड़कर निकल गए। जापानी टीम के फैंस इस कूड़े को साफ करते नजर आए। उधर पोलैंड से 2-1 से हारने के बावजूद सेनेगल के समर्थकों ने भी स्टेडियम की सफाई कर मिसाल पेश की। आइसलैंड के खिलाफ पेनल्टी चूकने के बाद से लगातार आलोचना झेल रहे लियोनेल मेसी के बचाव में उनकी मां आगे आई हैं। मेसी की मां सेलिया ने कहा है कि आलोचनाओं से वो और उनका बेटा आहत हैं।